भाई ये मेरी है ड्रीम कार, आज से मैंने डिसाइड कर लिया। गाड़ी बहुत महंगी है, 4 करोड़ की है, पर इसको बना लिया अपने ड्रीम कार। ये भाई गाड़ी में अलग ही स्वैग है, मैं बता रहा हूँ। इस गाड़ी की बात ही कुछ अलग है भाई, अंदर इतनी स्पेस, हवाई जहाज है भाई, हवाई जहाज, 4 करोड़ की गाड़ी है भाई। ओह डिंपल गुड मॉर्निंग, डिंपल रानी गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल मम्मी? एक दिक्कत हो गई मीटअप के बाद, क्या? इधर आओ सुंदर मम्मी, जल्दी जल्दी आ जाओ सुंदर मम्मी, ये देखो। हाँ वो तो मैंने आपसे ही तेरे को बोल दिया था, नए जूते। ये कितने के जूते हैं पता है मम्मी? है पता है कितने के? 10,000 10,000 नहीं, 32,000। क्या बात, क्या झूठ पकड़ा गया क्योंकि मैं नहीं लेके आई ना। ये झूठ तो पकड़ा ही गया आप लोगों का। ये 56,000 का जूता है जो मैं डिस्काउंट में लाया हूँ, 34,000 का, 80,000 का है, 80,000 का, 80,000 का तेरा घर जाएगा। जब ये मैंने हालत दिखी ना इसकी, मैं ऊपर देगा, मैंने कहा मम्मी 35,000 रुपए डूब गए, इसको साफ करा दो प्लीज, साफ करा दो। तो हम जा रहे हैं फाइनली अपने लिए एक नई गाड़ी देखने, और हमने कमिटी मेंबर्स को बुला लिया क्योंकि एक्चुअली हमारे घर में डिसीजन जो होते हैं वो कमिटी मेंबर्स के होते हैं। 3 लोग बैठेंगे, फिर 2 यस करेंगे तो हाँ होगी। तो हमारे कमिटी नंबर 1 चाचू का ये कहना है कि हमारे को सेकेंड हैंड कोई लग्जरी सुपर कार ले लेनी चाहिए, ऐसा बोला आपने? नहीं नहीं, कार लेनी चाहिए। हो कैमरा ऑन होते ही पलट गए भाई, जैसे है ना कैमरा ऑन होते ही अपना दल बदल देते हैं। मैंने कहा ये तो भाई तेरे पापा ने कहा कि सेकंड हैंड लानी है, तो मैं पापा के साथ राजी था। तो गाइस पापा ने चेकबुक उठा लिया क्योंकि अब पापा भी पम्प्ड अप हो चुके हैं, क्योंकि मैंने मना लिया पापा को गाड़ी लेने के लिए नहीं। और ये देखो सबसे ज्यादा खुश यहाँ पर है जिसने गाड़ी चलानी भी नहीं है। बैठना तो है ना। एक बात बताओ, कितनी बार आप बाहर जाते हो गाड़ी में घूमते फिरते? तुम लेके ही नहीं जाते? हाँ देखा, यही सुनने के लिए बोला था मैंने। देखो अब हमने डिसाइड कर लिया है, ये हमारा वादा है आप लोगों से, वादा कर देता हूँ, फिर बाद में पूरा ना हो तो बाद में कोई गाली वाली दे दे मेरे को। अभी पापा पम्प्ड अप है, पापा ने बोला है कि देखो जैसे ही हम अपने नए घर में शिफ्ट होंगे तो हम कोई गाड़ी लेंगे डिफेंडर जैसी, ठीक है? वहां पर हमारा दिल आया डिफेंडर पे अभी, तो हमने वो तब डिफेंडर लेनी है। तो अभी हम सोच रहे थोड़ी छोटी गाड़ी ले लेते हैं जो यहाँ पर फिट भी आ जाए, और पापा छोटी सोसाइटी में छोटी गाड़ी लेंगे। ऐसे नहीं, सब बढ़िया है, वो ऊपर वाले ने जहाँ रखा है सब बढ़िया रखा है। देखते हैं कहाँ जाना है, क्या लेना है। तो अभी हम 3 ऑप्शन लेके चल रहे हैं, BMW, मर्सिडीज, और एक हम जा रहे हैं फ्यूजन कार्स पे, वहां पर जो सेकंड ओनर कार्स होती है, शायद सेकंड ओनर जो भी होती है वो जाके। और ये रहे हमारे बाहुबली, कौन सी गाड़ी लेनी है जल्दी बताओ। यहाँ पे हम लेंगे, मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो जैगुआर FPS लगती है, और बाद में जैगुआर FPS डिफेंडर से बड़ी हो गई। वो क्या हो गया, कौन सी बड़ी है गाइस कमेंट सेक्शन में, तो जैगुआर FPS या डिफेंडर? डिफेंडर तो कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा सच है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे चाचू ने यलगार कर दिया, पता है लोग पीछे पड़ जाएंगे डिफेंडर को छोटा कैसे कह दिया। पर्सनली मेरे को ज्यादा FPS अच्छी लगती है। ठीक है चलो अभी जाके एक बार FPS भी सेलेक्ट चेक कर लेते हैं। जैगुआर कुड़ी कैंडी बेबी, पहला जैगुआर ले लो फिर जेना मर्जी प्यार ले लो। तो गाइस फाइनली हम आ गए पहले, सबसे पहले फ्यूजन कार्स, गौरव भैया के पास। क्या हाल है गौरव भैया? आज मैं देखो पूरी कमेटी लेके आया हूँ गाड़ी लाने के लिए। अंकल आ गए हैं, रात को कटापा चढ़ना है, पता नहीं कैसे उनको काबू करके ले आया। गौरव मेरे ब्लॉग देख के बता दे कि आज पिटाई होगी गाड़ी पैसे लग गए तो। तो आज अभी हम डिसाइड करने वाले हैं हम पर कौन सी गाड़ी लेनी है, तो आओ पहले देखते हैं क्या है क्या नहीं और फिर डिसाइड करते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है भाई यहाँ पर, इलेक्ट्रिक कार्स है, ऑडी है, बहुत सारी है, पोर्शे है। भाई ये देखो मेरा तो मन कर रहा है ये उठा लूँ, व्हाइट पोर्श बॉक्सटर, कोई भी उठा सकता है, सब देखते हैं कौन सी उठानी। ये है वो गाड़ी जो चाचू को बस फेवरेट है, चाचू का मन ही यही है, कह रहे FPS खड़े, मैंने कहा फ्यूजन पे खड़ी है वहीं चलो। कुछ लोगों को एक्चुअली यही नहीं पता कि जैगुआर की बड़ी गाड़ी आती है, लोगों ने ना लंबी वाली देखी है, जैगुआर मतलब लंबी गाड़ी, जैगुआर की ऊंची गाड़ी भी आती है। सारे यहाँ पर हो गए, FPS का मुकाबला नहीं है, FPS का मुकाबला नहीं है। मैं एक बार गौरव भैया एक बात बताओ, ज्यादा अच्छी गाड़ी कौन सी है, FPS या डिफेंडर? बड़ा अलग अलग आपने फर्क दे दिया। हाँ बिल्कुल कराते हैं, मैं पूछ रहा हूँ FPS बढ़िया डिफेंडर बढ़िया? मैं उनको भी इसका जवाब चाहिए, FPS लेनी चाहिए डिफेंडर लेनी चाहिए, क्या? दोनों अलग सेगमेंट है, दोनों अलग सेगमेंट। आपकी प्रेफरेंस क्या? 3 FPS बिक चुकी है, 3 FPS
डिफेंडर एक पिक ही है। और भैया मैंने वादा करा अपने ऑडियंस को, जैसे नए घर में जाएंगे डिफेंडर तो लानी है, डिफेंडर तो लानी है, हमारी सोसाइटी में नहीं घुसेगी। पापा पसंद है फिर FPS? अरे आग बंद करके ले लूंगा, चंटा पार्किंग का ही है भाई, चाचू ने पसंद कर दिया। मैं 400 गज का प्लॉट तो एक का चल जाते 400 गज का प्लॉट के ग्राउंड फ्लोर के लिए अपनी सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर के लिए पार्किंग के लिए। वैसे पापा ने एक बात सही बोली है, कह रहे ये गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी पे बहुत मन आ गया, तो एक काम करता हूं नीचे वाला फ्लोर भी खरीद लेता हूं पार्किंग करने के लिए। भाई एक्चुअल बता रहा हूँ, ये गाड़ी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, सबको पसंद आ रही है गाड़ी, बस दिक्कत ये है कि पार्किंग की, नहीं तो हम अभी उठाएंगे और आज ही डिलीवरी लेते हैं इसकी। भाई यहाँ तो जैगुआर FPS पे दिल आ गया इसका, भाई इंटीरियर देखो, ओए होए 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 होए, ऊपर मूनरूफ। मैं कह रहा हूँ बस पापा मान जाए, मेरा हमारा यही है पापा मान जाए इस गाड़ी के लिए। पापा मैं कह रहा हूँ Porsche Boxster ले लेते हैं, वाइट कलर की। ये हाँ अच्छी तो लग रही है। नहीं यार बात पता क्या है, मतलब हमारी हाइटों के हिसाब से ना ये गाड़ी हमारे को सही नहीं लगती है, हमें ऐसा लगता है टॉय कार है, पर एक एक टू सीटर तो बनती है जिंदगी में लेनी। Porsche Boxster ले लें, बहुत ले लो हैं। हाँ Boxster ये तो बहुत आराम से फिट हो जाएगी, ये तो है ही इतनी सी, इसको तो चाहे ऊपर छत पे ले जाओ। सिर्फ तू और मैं ही आएंगे और कोई तीसरा नहीं आ सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको तो रखने के लिए छत पे ले जाओ। हाँ इसको तो छत पे ले जाओ। जय धुमन भाई, कहीं भी इसको तो कहीं भी ले जाओ, छोटी सी तो है ये, कहीं से भी निकल जाएगी। लाल Boxster भी है। तो गाइज अब हम आ गए हैं दूसरे शोरूम में और यहाँ पर चाचू ने अपना फिर से मन बदल दिया, अभी तक जैगुआर FPS और इस पे अटके हुए थे, अब चाचू का मन कर रहा है रेंज रोवर ले लेते हैं। चाचू अब क्या डिसीजन है बता दो भाई, कंफ्यूज हो गया, जितनी गाड़ियां देखता जा रहा हूँ कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। शंकर भैया हेल्प कर लो भाई, विलार ले ले भाई। देखो जेन्युइन बताऊं, वो कौन सी देखी थी भैया हमने, सबसे ऊपर वाली, सुपर हमने देखी थी वो, सबसे बढ़िया गाड़ी मैंने आज तक अपनी लाइफ की जो देखी होती रेंज रोवर वो भाई। उसके अंदर वो मोदी जी भी उसी गाड़ी में आते हैं भाई, तो फिर अब मैं भी नेता वेता बन जाता। पापा कहेंगे 50 लाख की गाड़ी लेने आया था, 4 करोड़ की फाइनल करके। पापा पे कुछ बाकी याद करना पड़ेगा, गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पड़ी हैं। ये है रेंज रोवर वोक और वो है रेंज रोवर XYZ। इतनी सारी गाड़ियाँ, जितनी ज़्यादा देख रहा हूँ उतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। अब आई होप हम एक डिसीजन ले ले और एक गाड़ी तो उठा ही ले, लेट्स सी। भाई ये मेरी है ड्रीम कार, आज से मैंने डिसाइड कर लिया, गाड़ी बहुत महंगी है, 4 करोड़ की है, पर इसको बना लिया अपने ड्रीम कार। ये भाई गाड़ी में अलग ही स्वैग है, मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी की बात ही कुछ अलग है भाई, अंदर इतनी स्पेस, हवाई जहाज है भाई, हवाई जहाज, 4 करोड़ की गाड़ी है भाई। ओह और ये टॉय कार ले लेंगे, टॉय कार मेरे कमर पे खत्म होगी, वेस्ट लेवल पे तो पूरी कार खत्म होगी। ये Porsche तो तब लेते हैं जब हॉट व्हील्स खेलनी हो ना, पूरी कार खत्म होगी भाई साहब। Porsche एक्चुअल में एक टॉय कार है भाई, मैंने देख लिया, अपन को लेनी है हाई कार, विलार। पर जब शिफ्ट होंगे तो पापा अब डिफेंडर नहीं लेनी, अब शिफ्ट होने के बाद वोक लेनी है, रेंज रोवर वोक। बोलो डन डन, एक बार डन बोल दो डन। ओ भाई पापा ने डन बोल दिया तो रेंज रोवर वोक ही आएगी, अब देख लो। वो भी नहीं, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू, सेकंड हैंड नहीं। अभी हम ले लेंगे जो भी हमारे को चाहिए, जो पापा दिला देंगे वो ले लेंगे, ताकि हमारे अपार्टमेंट में ठुकती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वहां पर शिफ्ट होंगे नए घर में तो पक्का एक नंबर। जाते जाते मुझे दे दियो। मैं कह रहा हूँ तेरी जगह ना हमें अपने उन्होंने को साथ लाना चाहिए था। निश्चय अभी उसके था ना, निश्चय ये गाड़ी बढ़िया, उसने कहता आ चाचा जो कहते हैं, क्योंकि पता क्या फर्क है, उसने चलानी नहीं है, ये सारी चलानी मैंने है। ये जो गाड़ियां तो पसंद कर रहे हो सारी शॉफर ड्रिवन होनी चाहिए भाई, एक तू चलाएगा इसको रेंज रोवर वोक। भाई मैंने अपनी ड्रीम कार बना ली है, मेरे को वैसे सच में गाड़ियों का शौक नहीं था, पर अब मेरे को हो गया है। किस गाड़ी का मैं बता रहा हूँ, रेंज रोवर वोक का, क्योंकि मोदी जी वो चलाते हैं और अपन को वही चलाने, क्योंकि मोदी जी है अब मतलब बैठते पीछे तो हम भी पापा से चलवा लेंगे। अपन पीछे बैठेंगे पापा चला लेंगे, बाउंसर ये चाचा चाचू। और अब हम देख रहे हैं BMW X5। देखो अब हमने बहुत ज्यादा गाड़ियां देख ली हैं, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अब ऐसा फाइनल करते हैं, चलते हैं BMW के शोरूम में और नहीं खरीद। बहुत महंगी गाड़ी है, दिल में दर्द हो रहा है, ये सारे पैसे वैसे खर्चना सोचना आसान है पर खर्चते तो दिल दर्द होगा यार। अब गाइस हम कंफ्यूज हैं, हमारे को कौन सी लेनी चाहिए, विलार, GLC या BMW। हेलो एंग्री मेलन साहब जी, गाड़ी कौन सी ले रहे हैं फिर हम? अभी कोई सुन, तुम देखो जाके देखते हैं। मतलब अरे कभी ये वो कर रहा है वो रेंज रोवर, कभी स्पैक जगुआर, और एक वो भी देखी जो नीचे वाले के पास है 220D मर्सिडीज CLA। GLC तो आपका किसमें मन है? GLC ये है कि यहाँ पे रखने के हिसाब से ठीक है, वो दोनों बड़ी गाड़ियाँ,
एफ पैक वर्सेस कौन सी रेंज रोवर, रेंज रोवर कौन सी चाहिए? आपका क्या मन है? अभी मेरे को अब्बू ने दिखाई रेंज रोवर, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, पर सुंदर तो एफ पैक भी है। अरे बहुत जबरदस्त है। रेंज रोवर कितने की है? क्या? और एफ पैक कितने की है? और 220। अरे मैं तो कह रहा हूँ मम्मी बेस्ट है, मृत्यु ले लेते हैं वैगनार। उसमें पहले भी मैंने एक आइडिया बहुत अच्छा दिया था, पीछे पीली पट्टी भी लगा देंगे, पार्ट टाइम इनकम भी लग जाएगी। भाई सुनो, बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है। अब्बू सबको बिजनेस आइडिया देता है, मैं देता हूँ। एक बंदे को हायर करते हैं, ठीक है, उसको कैब देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई तू जितना कमाएगा उसका 10% हमारा। ज्यादा से ज्यादा देखो मारुति वैगनार आएगी कितने की, 4 लगा लो, मैं ऐसा मोटा मोटा एस्टिमेट ला रहा हूँ, 4 लाख की गाड़ी आ गई। उसका महीने का खर्चा वो मेरे ख्याल से 70-80 हजार रुपए तो निकाल ही लेगा। जिसका 10% हमको मिलेगा तो 8,000 रुपया मिलेगा हमें, ठीक है, पर मंथ। तो कितने महीनों में 4 लाख रुपए का खर्चा निकल जाएगा हमारा, बताओ? पता नहीं। आई थिंक मैं समझ गया हूँ कि बिजनेस मेरे लिए नहीं है। पापा बिजनेस मैन है, वो बताएंगे। मैं बिजनेस मैन हूँ पर मेरी सुनता कौन है? चेचना